दिल्ली से नोएडा गुरुग्राम जाने वाले रास्तों पर जाम लग गया है। एक तरफ किसान शांतिपूर्ण मार्च की तैयारी कर रहे हैं, वो कितना शांतिपूर्ण होगा या नहीं वो किसान जाने, लेकिन आम लोग तो इस जाम से परेशान हो गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में लंबा लंबा जाम है और कई कई किलोमीटर तक जाम में गाड़ियां फंसी हुई हैं और ये हर रोज का हो गया है। जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है या आंदोलन शुरू हुआ है, जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर गाड़ियों की ऐसे ही लंबी कतारें हैं। अब इनमें से न जाने कितने सारे ऑफिस गोइंग पीपल होंगे जो फंसे हुए रहते होंगे एक एक दो दो तीन तीन घंटा। ये इम्पोर्टेंट रोड भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो चारों तरफ करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और ये जाम की वजह से गाड़ियां बहुत मुश्किल हालात में रेंग रेंग कर यहाँ से चल रही हैं। जो फास्टेस्ट लेन है जिसमें गाड़ी की रफ्तार करीबन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है वहाँ पर जाम है। उसके अलावा जो पैरेलल लाइन है उस पर जाम है, कनेक्टिंग रोड्स हैं उस पर जाम है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग जो डेली कम्यूटर हैं यहाँ से, इन सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से कई सारे ऐसे लोग हमें मिले जो कि काफ़ी गुस्से में भी हैं प्रोटेस्ट को लेकर। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके साथ खड़े हैं लेकिन चाहते हैं कि इस तरीके की जो हालात है वो ना बने, क्योंकि ऑफिस टाइम है, घर हॉस्पिटल जाना है, आसपास यहाँ पे करीबन 3 से 4 हॉस्पिटल हैं। अगर कोई भी यूपी से दिल्ली जा रहा है एम्स या सफदरजंग हॉस्पिटल तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है और हर करीबन 10 या 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंसेज यहाँ से जाती हैं और इसी वजह से इस जाम के अंदर एम्बुलेंसेज को भी फंसना पड़ रहा है। किसान दिल्ली की तरफ मार्च करने वाले हैं, बैरिकेड तोड़कर हरियाणा में दाखिल होने वाले हैं। आंसू गैस के गोले से बचने के लिए इस बार वो अपने साथ मास्क की तैयारी के साथ आए हैं। आप देखिए यहाँ 3 किसान आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने आंसू गैस से बचने के लिए बकायदा एक मास्क पहना हुआ है जो इनकी आंखों को नाक को मुंह को पूरी तरह से ढक रहा है। अब चाहे कितने भी आंसू गैस के गोले दागे जाएं, इसके बावजूद इसका असर इन किसानों पर, कम से कम जो लोग मास्क पहन के खड़े हैं उन पर तो नहीं होने वाला है। रिपोर्ट देखिए आप। ये मास्क तो लिया है मिलिया, इन इस तरीके के नाल पर पाके सी इधर तो बचा जा सकता है इस तरीके नाल, ते अखा वास्ते असि आ जड़ी चीज हैगी आ ये ए ला दे आ जड़ी सिस्टम। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा भी जुड़ चुके हैं और सभी संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। पहले मनीष आप ही का रुख करते हुए, सुबह के 10:30 बज चुके हैं और ऑफिस जाने वाले लोग जो सबसे ज्यादा इन बॉर्डर से होकर गुजरते हैं उनके लिए तो खासी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा होगा। अभी आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जरा वहाँ की क्या व्यवस्था है ये दिखाएं। मैं मनीष के पास लौटूंगी लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ जो कि शंभू बॉर्डर से ही आई हैं। शंभू बॉर्डर की ये स्थिति देखें, मास्क लिया हुआ है, एक मास्क नाक के लिए है, एक आंख के लिए बकायदा पूरे शेड्स तैयार किए गए हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखें, हाथों में किसानों ने झंडा लिया हुआ है और एक तरीके से आप ये समझे कि एक लंबी लड़ाई के लिए ये किसान निकले हैं। सभी सहयोगी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति क्या है और अगर लोगों से आप बातचीत कर पाए उनका क्या कहना है? मीनाक्षी पहले तो आप ये देखिए कि ये गाजीपुर बॉर्डर पे जो ये मेन रास्ता है, हाईवे है, नेशनल हाईवे 9, वो तो पूरा चौकड़ है, करीबन 1 से 2 किलोमीटर का जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पर पुलिस का पूरा बंदोबस्त है और बैरिकेड है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जैसे ही राकेश टिकैत ने कहा तो संख्या जो और लोग हैं उनकी और बढ़ाई गई और ये किया गया कि यहाँ से कोई भी किसान आगे की तरफ ना जाए। इसीलिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो छोटे छोटे पैसेजेस का इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं। आप लोग दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, ये रास्ता बंद था? हाँ, ये रास्ता मेन रोड बनता, अंदर से आ रहे हैं जंगल के। दिक्कत हुई है इसकी वजह से, काफी परेशानी है। आप क्या जंगल के रास्ते से आ रहे हैं? जंगल के रास्ते। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ तो रास्ता भी नहीं है, उबड़ खाबड़ है बिल्कुल। हाँ, सारा उबड़ खाबड़ है, बहुत गंदगी है। और ये जो हाईवे है इसमें कितना ब्लॉक है ये बिल्कुल, कितनी दिक्कत हो गई आप लोग? बहुत 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 परेशानी है। कुछ कहना चाहेंगे किसान को या उन लोगों को जो प्रोटेस्ट? अब ये तो क्या बोले, बस राजीनामा करके खत्म करो ये चीजें, कॉम्प्रोमाइज। वो लोग हैं, देखिए ये देखिए आपको जो हम बता रहे थे मीनाक्षी, ये एक एक करके दूसरी तरफ से आ रहे हैं, रास्ता बंद है, यहाँ से आ रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही
अरे बहुत दिक्कत हो रही है, तो होम गाना पड़ रहा है यहाँ जाने के लिए। आपका आपके क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम है इंजुमामुल है। अब देखिए, अब हम आपको रास्ता दिखाते हैं। दरअसल देखिए, ये पूरा एरिया जो है बैरिकेड किया है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने। उसके साथ साथ किसान चूंकि अपने ट्रैक्टर के साथ आगे की तरफ बढ़ने अब देखिए, लोग तो कहेंगे ही कि अब कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए और कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज वो ब्रेक थ्रू हो ही नहीं पा रहा है। यही वजह है कुमार कि जितनी भी मांगे मानने की बात की जा रही थी, सरकार ने तो एक ऑफर भी दिया था, लेकिन किसानों ने तो उस ऑफर को भी ठुकरा दिया। कुमार जी, जी मीनाक्षी, एक बार अपना सवाल दोबारा। मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी अभी मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी के साथ आम लोग बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज के ही इरादे से आ रहे होते तो जो ऑफर सरकार ने दिया था वो बड़ा अच्छा ऑफर था, उसे किसानों ने माना होता। वो ये कह रहे हैं कि इधर माई वे और हाई वे। देखिए मीनाक्षी, कभी भी कोई भी विवाद होता है, जब दो पक्षों के बीच में कोई मतभेद होता है तो हमेशा बीच का रास्ता निकाला जाता है, जिसमें ये हो कि दो कदम सरकार पीछे हटे, दो कदम किसान पीछे हटे और सहूलियत से उस रास्ते को निकाला जाए, ताकि किसानों की भी सुविधा हो, सरकार की भी हो और खासतौर पर आम जन की भी सुविधा हो, जो कि रोजाना दिल्ली के बॉर्डर क्रॉस करके एक से दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए जाते हैं, जो रोजाना 500-600 रुपए की दिहाड़ी मजदूर हैं, वो लोग भी हैं ऐसे जो बड़ी संख्या में जाते हैं। लेकिन किसानों के प्रदर्शन से ये तमाम लोग जो हैं इफेक्टेड हैं। इस वक्त मैं जहां टीकरी बॉर्डर पर हूं, यहां पे एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और यहां पर उनकी तरफ से भी आप देखें कि मेट्रो के पिलर्स पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है सेव द इंडस्ट्रीज, और तमाम कारोबारियों की तरफ से बोर्ड लगाए गए हैं कि भाई आप हमारे कारोबार को बंद ना करें, उनको ना छीने किसान संगठनों से। ये तमाम लोग जो हैं कारोबारी और जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले, वो अपील कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों की ही जरूरत है, जरूरत इन लोगों की भी है। ये आखिर कहां से करेंगे, अगर फैक्ट्री ठप हो जाएगी, फैक्ट्री बंद पड़ी रहेगी, तो जो उसमें काम करने वाले बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कहां से अपने घर को चलाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर लगातार अपील भी की जा रही है। वहीं सरकार भी किसानों से अपील कर रही है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, बातचीत को करें। और लेकिन अपील का असर कुमार कुछ होता दिख नहीं रहा है, और सिंघू बॉर्डर पर भी कितनी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग की गई है, हम जानेंगे हमारे संवाददाता गोनिका अरोड़ा से।